शराब ठेके खेतों के साथ खोलने जाने पर ग्राम पंचायत बारी की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम पंचायत बारी के उप प्रधान राजीव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी हमीरपुर और एक्साइज अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर ठेके को कहीं और जगह खोला जाए, नहीं तो महिलाएं सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। महिलाओं का कहना है कि शराब ठेका खेतों के आसपास होने पर महिलाएं खेतों में जाने से कतरा रही हैं। प्रतिनिधिमंडल में आई हुई महिलाओं ने बताया कि शराब ठेके को रातों रात गांव के खेतों के बीचों बीच खोल दिया गया है और इस कारण महिलाओं को खेतों में घास काटने और दूसरे कामों को जाने के लिए परेशानी हो रही है। महिलाओं ने मांग करते हुए कहा कि जल्द शराब ठेके को कहीं और खोला जाए, नहीं तो महिलाएं उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। हमारे खेत है वहाँ पर तो ठेका खोल रहे थे ना, वो उन्होंने सामान रख दिया रातों रात जाके, हमको पता ही नहीं था। फिर हम इधर आए तो अब इधर फिर हमने बताया अपनी समस्या, क्योंकि हमारे खेत साथ में लगते हैं, हम जा नहीं अकेले नहीं जा सकते वहाँ पर। ठेका नहीं खोलना चाहिए, बीच खेतों में खोल दिया ना उन्होंने, तो फिर हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। हम अंधेरे में भी जाते हैं, घास काटते हैं वहाँ पर, गोबर ले जाते हैं वहाँ पर जाते हैं, हमारी लड़कियां जाती हैं, बहुएं जाती है, अकेले नहीं वहाँ पर जा सकते। फिर ये समस्या थी हमको, तो हमने पुलिस में दी, चौकी में, फिर हमने तहसीलदार के पास दी, बीडीओ के पास दी, अब आज डीसी के पास आए थे। डीसी ने बोला करते हैं कार्रवाई, देखते हैं मौका, देखते हैं ना, अगर कुछ नहीं हो ठेका बांधने क्या करेंगे ग्राम में? ठेका बांध नहीं हो तो हम फिर हड़ताल करेंगे, नहीं बंद किया तो हम वहीं पर बैठ जाएंगे, हम खोलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे खेत वहां पर है, हर टाइम हमारा आना जाना है, तो हम फिर कहां से आ जाएंगे, अकेले नहीं जा सकते वहां पर। ये हमारे खेतों में ठेका खुल गया है और उसको ठेके को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। हमारी बहुआं बेटियां उस खेत में जाती हैं, उन खेतों में जाती है और अकेले नहीं जा सकती है। हमारी बहुआं बेटियों का कोई भी जिम्मेदार बन जाए, जब ठेका जाए उधर से उधर में नहीं खोला जाएगा, या फिर उनकी जिम्मेवारी लो कोई भी, ऐसे ठेका उधर में नहीं होना चाहिए, हमारे खेतों में नहीं होना चाहिए, हमारी बहुओं बेटियां जाती है उधर में। वहीं बारी पंचायत के प्रधान राजीव ने बताया कि शराब ठेके को बंद करने के लिए प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत भी चाहती है कि ठेका बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत भी ग्रामीणों के साथ है और शराब ठेके का विरोध कर रही है। हमारी ग्राम पंचायत बारी बंगसन की हेडक्वार्टर पंचायत है, वहाँ पे एक शराब का ठेका खुल रहा है और उसका सारा पंचायत और महिला मंडल विरोध कर रहा है, क्योंकि वो ठेका जो है खेतों में खोला जा रहा है और महिलाओं का ये कहना है और पंचायत का भी कि ये ठेका जो है खेतों में नहीं खुलना चाहिए और इससे जो है खेतों में महिलाएं जाती हैं और वहाँ पे ठेके पे जो भी आएगी शराब लेकर शराब पीकर हुड़दंग करते हैं लोग, तो इसलिए ठेका बिल्कुल बंद होना चाहिए वहाँ से। और सरकार ने अगर इस ठेके को अनुमति दी है तो सरकार देखेगी कि ठेका कहाँ खोलना, उनका काम है। और हम पंचायत स्तर पर इसका विरोध करते हैं और हमारा महिला मंडल भी विरोध करता है और महिलाएं जहाँ बोलेंगी हम उनके साथ चलेंगे और हम भी इनके साथ इसका विरोध करें। पहले से ठेका नहीं था, 2-3 साल से बंद था, जब से हाईवे पे ठेके बंद हुए तब से बंद था। ऐसे शहर में ठेका था, बाजार में ठेका था, हम भी चाहते हैं कि ठेका खोल रहे हैं तो बाजार में खोला जाए, खेतों में नहीं खोला जाए। पंचायत विरोध कर रही है और करेगी।